बार 24 राज्य जा चुका हूं, पूरे भारत का हर एक राज्य में जाके वीडियो बना चुका हूं, हर एक राज्य के एक एक यूनिवर्सिटी में जा चुका हूं, स्कूल कॉलेज देख चुका हूं, बहुत सारे मंच पे गया हूं, यहां तक कि शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार का रिलाई भी कर चुका हूं। ठीक है, वो लोग लड़कियों के दिलों पे राज करते हैं, वो लोग सही है कि ना, उनके रोल मॉडल वो होते हैं, हमारे रोल मॉडल जो है एपीजे अब्दुल कलाम, समानता सर हैं, सही है कि नहीं है, यही फर्क है हम लड़कों, सही है कि नहीं है। तो हम लोगों को मिलके जो है भारत को बदलना है, लेकिन भारत को बदलने के लिए सबसे पहले आप लोग जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करना होगा, सही है कि नहीं है, करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, ईमानदारी पूर्वक आप लोग पढ़ाई करते हैं कि लड़कियों से चैट करते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा जो झूठ बोलेगा। लेकिन पढ़ाई करने के बाद क्या करना है? बहुत सारे लोगों का लक्ष्य होता है कि पढ़ाई कर लिए अब शादी कर लेना है, सही है कि नहीं है? बहुत सारे लोगों का लक्ष्य होता है, लेकिन अंदर भी मैं ये सारी बातें बोल सकता था, लेकिन अंदर इसलिए नहीं बोला कि आज़ादी है ना तो पिंजरे के अंदर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए खुले आसमान के नीचे बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। माइक थोड़ा सा आवाज़ उसका कम है, लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा लोग। पढ़ाई के बाद हम लोगों को क्या करना है? जिस दिन इस देश के युवाओं को पता चल जाएगा उस दिन इस देश का हालात बदल जाएगा। मैं समानता सर के गाँव में गया था, वो गाँव जो है इस देश का पहला स्मार्ट विलेज है। मोदी जी बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, चलिए ठीक है वो भी सही है, स्मार्ट सिटी भी बनाना जरूरी है। बहुत सारे नेता जो है शहरों का विकास करते हैं, मॉडल टाउन बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें मॉडल गांव बनाना होगा, स्मार्ट विलेज बनाना होगा। और जिस दिन स्मार्ट विलेज बन जाएगा उस दिन हमारा देश बदल जाएगा। मैं अपने गाँव की बात बताता हूँ, मेरे गाँव की महिलाएँ जो है साड़ी ऊपर करके जो है बारिश के दिनों में निकलती थी, पहले इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना, यहाँ तक बहुत सारे लोगों को हंसी आएगा, लेकिन ये दर्द जो है बिहार में बहुत सारे लोगों को झेलना पड़ता है, ये सत्य है। जो बाढ़ में गांव डूब जाता है और प्रेग्नेंट महिलाओं को किस प्रकार से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है उसकी कल्पना भी आप लोग नहीं कर सकते हैं। और जिस दिन उसकी कल्पना आप लोग कर लेंगे उस दिन बिहार और झारखंड को आप लोग बदल के रख देंगे, लेकिन उसकी कल्पना करना होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई के बाद क्या करना है, चाहे आप उड़ीसा के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, अभी मैं नॉर्थ ईस्ट से आया हूँ, वहाँ के 6-7 राज्य में गया था। पढ़ाई के बाद हमें पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कमाने से पहले कम से कम 10 साल हमें अपने आप को जो है राज्य के प्रति और देश के प्रति समर्पित कर देना है। पता है ये क्या है? ये है स्ट्रीट लाइट, और इसका हाइट इतना कम है, जानते हैं क्या है? रोड है यहाँ, और नाला है रोड से 3 फीट ऊपर, तो नाला का पानी रोड पे जाए। नेताजी लोगों का एक दिन के लिए बैनर रखता है, अगले दिन पट्टा म्यूनसिपल बैनर निकाल देता है, और एक दिन के बैनर के लिए लोग रोड खोदते हैं, पहला दिन उसी दिन रात में जो है ना जाने कितना मोटरसाइकिल।